नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री गुरु चरण पर। दोस्तों, आज के दैनिक राशिफल कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज 8 सितंबर 2020 दिन मंगलवार है। यह दैनिक राशिफल चंद्र ग्रह की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल के कार्यक्रम को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। इस राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार, मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। सूर्योदय सुबह 6:03, सूर्यास्त शाम को 6:34, चंद्रोदय रात को 10:13, चंद्रास्त सुबह 11:07, तिथि कृष्ण पक्ष की छठी तिथि 12:02 तक 9 सितंबर तक, नक्षत्र भरणी नक्षत्र 8:26 तक सुबह के, योग व्याघ्यात योग 5:35 तक शाम के, करण गर 10:52 तक, वणिज 12:02 तक, वार मंगलवार। चलिए जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल, क्या कहता है आपका राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज आपका दिन अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी की खरीदी और बिक्री से जुड़ी कोई योजना बन रही है तो तुरंत उस पर अमल करें। ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हैं। आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका आत्मिक उत्थान होगा। घर में किसी बात को लेकर कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संतान की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। मामा पक्ष के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाकर रखें। अनावश्यक यात्रा को स्थगित ही रखना ठीक रहेगा। कार्य क्षेत्र में व्यापारिक मंदी की वजह से तनाव रहेगा, इसीलिए कार्य करने की प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अनचाही यात्रा करने की वजह से मन व्यथित रहेगा। आज काम धीमी गति से लेकिन सरलता से होंगे। महिला सदस्य के स्वास्थ्य में बदलाव आएगा। शाम तक अधिकतर काम निपट जाएंगे। बचा हुआ समय आप अपनी हॉबी के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। घर परिवार पर भी इस बात का असर पड़ेगा। हालांकि आपकी परिस्थितियों को संभालने में सक्षम रहेंगे। गले और छाती में कफ संबंधी इन्फेक्शन हो सकता है, अपना उचित इलाज करवाएं। आज आपका भाग्य अंक 3 होगा। शुभ रंग आपका लाल होगा। आज आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, लाभकारी होगा। वृष राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। दिन की शुरुआत में काम की अधिकता के कारण बहुत अधिक मेहनत रहेगी, परंतु दोपहर के बाद मेहनत के उचित परिणाम भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों के साथ भी घूमने फिरने व मनोरंजन संबंधी कार्य में समय व्यतीत होगा। ध्यान रखें कि पैसे के लेन देन संबंधी कोई गलती होने से नुकसान भी हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों के साथ संबंध भी खराब होने की आशंका है। सुख शांति के लिए आध्यात्म संबंधी गतिविधियों में कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। पब्लिक डीलिंग, ग्लैमर व कंप्यूटर से जुड़े व्यवसाय सफल रहेंगे। आपका व्यापारिक एटीट्यूड आपकी तरक्की में सहायक रहेगा। बीमा एजेंट भी अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। आज आप स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का अंतर अपने कार्य में दिखा देंगे। पिता या घर के किसी पुरुष सदस्य से मतभेद हो सकते हैं। आज शुरू किए गए कार्य की सफलता का श्रेय आपको ही मिलेगा। पत्नी या बेटी की तरक्की होगी। पति पत्नी अपनी अपनी व्यस्तता के कारण एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे, परंतु घर के बड़े बुजुर्ग घर में अनुशासित वातावरण बनाकर रखेंगे। थायराइड संबंधी समस्या बढ़ने की आशंका लग रही है, अपनी जांच अवश्य करवाएं तथा उचित इलाज भी लें। आज वृष राशि वालों का भाग्य अंक 2 होगा। शुभ रंग आपका हल्का गुलाबी होगा। आज आप बंदरों को केला खिलाएं, लाभकारी होगा। मिथुन राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। संतान की किसी समस्या को हल करने में आपका सहयोग सकारात्मक रहेगा। आस पड़ोस की सामाजिक गतिविधियों में भी आपका वर्चस्व बना रहेगा। प्रॉपर्टी के विक्रय संबंधित योजनाएं सफल हो जाएंगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, जिसकी वजह से आपके कई काम रुक सकते हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में खर्चे की अधिकता रहेगी। किसी को पैसा उधार ना दें, अन्यथा वापसी की उम्मीद नहीं है। अगर किसी योजना या व्यवसाय में साझेदारी की योजना बन रही है तो तुरंत उस पर अमल करें। इस समय परिस्थितियां लाभदायक हैं, साथ ही धन प्राप्ति के ग्रह भी योग बने हुए हैं। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन करना भी लाभदायक रहेगा। आज बड़े व्यवसाय का निर्णय ना लें, जितना हो सके उतना पैसों का खर्च आज टाल दें। समस्या का समाधान गुरु या कोच से मिलेगा, जो आपके लिए उचित होगा।
खुद से परिस्थिति में बदलाव लाने की कोशिश ना करें। पति पत्नी के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे, परंतु किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने पारिवारिक जीवन में ना होने दें। चोट या एक्सीडेंट होने जैसी आशंका लग रही है, वाहन संबंधी पूर्वक सावधानी से चलाएं। आज आपका भाग्य अंक 6 होगा, शुभ रंग आपका हल्का लाल होगा और आज आप गाय को गुड़ खिलाएं, लाभकारी होगा। कर्क राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपका अधिकतर समय अपने व्यक्तित्व को और अधिक बेहतर बनाने में व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के अनुरूप ही कोई नौकरी मिलने की प्रसन्नता रहेगी। धर्म कर्म व आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज धन संबंधी कोई नुकसान होने की वजह से तनाव रहेगा, जिसके कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। आपकी अधिकारपूर्ण वाणी दूसरों को नाराज भी कर सकती है। किसी भी प्रकार की यात्रा को आज स्थगित ही रखें, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। आज कोई भी नया काम ना शुरू करें तो बेहतर है, क्योंकि कोई भी निर्णय गलत होने की वजह से नुकसान हो सकता है। बेहतर रहेगा कि कार्य क्षेत्र में जैसा चल रहा है उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को काम की अधिकता की वजह से तनाव रह सकता है। जिस लक्ष्य की प्राप्ति का आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, उसका मार्ग आज नजर आएगा। यह समय आपको अपने आप को समझने और जीवन के अलग पहलू दिखाएगा, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में काफी बदलाव आएगा। आर्थिक समस्या को लेकर पति पत्नी के बीच कुछ तनाव रह सकता है। बेहतर होगा कि आपस में बैठकर गलतफहमी को सुलझा लें। मानसिक तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर व डायबिटीज आदि की समस्या उत्पन्न हो सकती है। मेडिटेशन अवश्य करें। आज आपका भाग्य अंक 7 होगा, शुभ रंग आपका गोल्डन होगा। आज आप हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं, लाभकारी होगा। सिंह राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपकी राशि के स्वामी सूर्य का राशि में विराजमान होना आपके आत्मविश्वास व आपके आत्मबल को और अधिक बढ़ा रहा है। मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी में आपका समय व्यतीत होगा। सामाजिक गतिविधियों में भी आप सम्मानित होंगे। कभी कभी ईगो की वजह से आप अपने ही नुकसान का कारण बनेंगे, इसीलिए अपने स्वभाव में थोड़ा सा लचीलापन बनाकर रखें। नजदीकी मित्र या भाई के साथ छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बन सकता है। आयात निर्यात संबंधी व्यवसाय में किसी प्रकार के नुकसान होने की संभावना लग रही है। थोड़ी सी सावधानी बरतने से आपकी काफी समस्याएं हल हो जाएंगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को विदेश संबंधी कोई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। आज का दिन आपके लॉजिक को झंझोड़ देने वाला होगा। विचलित मन स्थित कुछ देर तनाव पैदा कर सकता है। परिवार में कुछ फैसले आपके मन के विरुद्ध होंगे। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास मिल सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, परंतु आप घर और व्यवसाय दोनों में सामंजस्य बनाकर रखेंगे। एसिडिटी व गैस होने जैसी समस्या रहेगी। अत्यधिक गर्म चीजों का सेवन ना करें। आज आपका भाग्य अंक 2 होगा, शुभ रंग आपका लाल होगा। आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभकारी होगा। कन्या राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। सम्मानित व्यक्तियों के साथ आपका समय व्यतीत होगा, इसकी वजह से आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह एकाग्रचित रहेंगे। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े युवा वर्ग को जल्द ही कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त होगी। ससुराल पक्ष के साथ किसी बात को लेकर कुछ गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। आर्थिक गतिविधियां भी कुछ मंद रहेंगी, परंतु फिर भी तंगी नहीं आएगी। चचेरे भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर बनाकर रखें। आज कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है। अपनी योजनाओं को गुप्त ही रखें, धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। किए हुए कार्य का उचित श्रेय मिलेगा। आज आप समाज, मित्र और परिवार में अलग स्थान बना सकते हैं। किसी नए काम की जिम्मेदारी आपका रुतबा बढ़ा देगी। विवाहित जीवन खुशनुमा रहेगा। घर में किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन होने से सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। काम की अधिकता की वजह से शारीरिक व मानसिक थकान रहेगी। आज आपका भाग्य अंक 8 होगा, शुभ रंग आपका सुनहरा होगा। आज आप पृथ्वी माता का पूजन करें, लाभकारी होगा। तुला राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज समय कलात्मक तथा भावना प्रधान साहित्य की जानकारी प्राप्त करने में अधिक व्यतीत होगा। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह से संबंधित योजनाएं भी बनेंगी। विदेशी संपर्क सूत्र से अच्छी इनकम होने की संभावना है। कुछ काम बनते बनते बीच में ही रुक सकते हैं, इसकी वजह आपकी एकाग्रता में कमी होना रहेगी।
खर्चे के प्रति कंजूसी करना भी परिवार के लिए दिक्कत उत्पन्न कर सकता है। अपनी भावनाओं पर काबू रखना अति आवश्यक है। मीडिया, आर्ट और कंप्यूटर से संबंधित व्यवसाय में लाभदायक उपलब्धियां प्राप्त होंगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने डिपार्टमेंट में किसी प्रकार की महत्वपूर्ण अथॉरिटी प्राप्त हो सकती है। आज आप अपने कार्यों को लेकर थोड़ा असंतुष्ट रहेंगे। परिवार में आपको कोई नई जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। आप भले ही काम में व्यस्त हों, लेकिन आज अपने लिए वक्त निकालना ना भूलें। दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, विवाहेतर संबंध उपज सकते हैं, इसीलिए सावधान रहें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सिर्फ वर्तमान वातावरण से अपना बचाव करना अति आवश्यक है। आज आपका भाग्य अंक 3 होगा, शुभ रंग आपका गुलाबी होगा। आज आप बहते हुए जल में स्नान करें, लाभकारी होगा। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा का समावेश है, इसकी वजह से आप किसी भी परिस्थिति में अपनी समस्याओं का हल ढूंढने में सफल रहेंगे। युवा वर्ग को अपनी प्रथम इनकम मिलने से बहुत अधिक खुशी होगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और मधुर स्नेह घर के वातावरण को सुखमय बनाकर रखेगा, परंतु दूसरों के मामले में अधिक हस्तक्षेप ना करें। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके घर पर भी पड़ सकता है। कुछ पैतृक संबंधी मामले अभी अटके ही रहेंगे। पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें। कार्यक्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे, परंतु किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद आपकी समस्याओं का जल्द ही हल भी प्रदान करेगी, परंतु फिर भी प्रतिस्पर्धा संबंधी परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। नए व्यापार उद्योग के लिए अच्छा समय रहेगा। घर में किसी मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी होगी। युवाओं को स्कॉलरशिप मिलने का संकेत है। किसी पुराने काम का अटका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। जीवन साथी की सलाह आपके लिए भाग्योदय कारक रहेगी तथा आपसी संबंधों में भी नजदीकियां आएंगी। दूषित खान पान की वजह से पेट संबंधी दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। आज आपका भाग्य अंक 9 होगा, शुभ रंग आपका लाल होगा। आज आप बहते हुए जल में तांबे के सिक्के प्रभावित करें, लाभकारी होगा। धनुराशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। अध्यात्म और गुण विद्या के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और आपको उत्तम जानकारी भी हासिल होगी। कोई लाभदायक नजदीकी यात्रा भी होने के योग बन रही है। विद्यार्थियों को विदेश जाने के शुभ अवसर मिलेंगे। अपने व्यक्तिगत कार्यों पर अधिक ध्यान देने की वजह से परिवार व रिश्तेदारों के साथ थोड़ी सी दूरी उत्पन्न हो सकती है। अपने संबंधों को मजबूत बनाकर रखने की आवश्यकता है। संतान का उग्र स्वभाव भी परेशानी का कारण बनेगा। आज अधिकतर समय मार्केटिंग तथा बाहर की गतिविधियों को पूरा करने में ही व्यतीत हो जाएगा, परंतु फिर भी कार्यक्षेत्र में सभी काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों की उच्च अधिकारियों के प्रति छवि और अधिक मजबूत बनेगी। किसी पुरानी घटना की पुनरावृत्ति होगी, इस बार आप घटना का सामना विवेक बुद्धि से करेंगे। मन की बात किसी को बोलकर हल्की भी होगी और आपको नई दृष्टि भी देगी। कीमती कपड़ों पर आज खर्चा हो सकता है। अल्टरनेट मेडिसिन में आज आपको खास रुचि होगी। जीवन साथी का सहयोगात्मक पूर्ण व्यवहार आपको तनाव मुक्त रखेगा तथा आपसी संबंधों में भी मजबूती बनेगी। किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से राहत मिलेगी और आप पुनः अपने कार्यों पर पूरी ऊर्जा से ध्यान दे पाएंगे। आज धनुराशि वालों का भाग्य अंक 1 होगा, शुभ रंग आपका हल्का लाल होगा। आज आप हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं, लाभकारी होगा। मकर राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में आप और अधिक प्रयासरत रहेंगे। आपका अपनी क्षमता पर विश्वास रखना आपको नई उपलब्धियां भी प्रदान करेगा। प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय संबंधी कार्य में उचित लाभ की संभावना बन रही है। आपका बहुत अधिक अनुशासित व्यवहार पारिवारिक जनों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। सभी को अपनी इच्छा अनुसार समय व्यतीत करने के लिए भी स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। साथ ही भाई बहनों के साथ भी संबंध मधुर बनाकर रखें। अगर पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो यह आर्थिक दृष्टि से आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद रहेगा और आपको निर्णय सर्वोपरि रहेंगे। सरकारी सेवारत व्यक्ति किसी प्रकार की समस्या में फंस सकते हैं, इसीलिए सावधान रहें। किसी की सहायता से काम पूरा होगा और आप बेहतर तरीके से परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। कोई पुरानी बीमारी का आज सही तरीके से इलाज होगा। घर से दूर रहने वाले युवक और युवाओं को घर की चिंता परेशानी दे सकते हैं। किसी से लिया हुआ कर्ज मानसिक बोझ बढ़ाएगा। किसी अन्य व्यक्ति की वजह से वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है और सामाजिक मानहानि की भी आशंका है।
बारिश के मौसम की वजह से किसी प्रकार के त्वचा संबंधी इन्फेक्शन होने की संभावना है, इसीलिए हाइजीनिक रहना अति आवश्यक है। आज आपका भाग्य अंक 4 होगा, शुभ रंग आपका ऑरेंज होगा। आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभकारी होगा। कुंभ राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज विचारों में बहुत अधिक भावुकता रहेगी, नई नई आइडिया दिमाग में आएंगे और उन पर अमल करना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। रिश्तेदारों तथा बहन भाइयों के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे, प्रतिद्वंदी भी परास्त रहेंगे। भूमि संबंधी कोई भी कागजी कार्रवाई बहुत ध्यानपूर्वक करें, जरा सी गलती की वजह से वाद विवाद खड़ा हो सकता है। संतान की भी गतिविधियों पर नजर रखना अति आवश्यक है, क्योंकि उनके पढ़ाई संबंधी कार्य में किसी प्रकार की रुकावट आ रही है। कार्य क्षेत्र में स्थितियां अनुकूल रहेंगी, परंतु किसी किसी समय कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में परेशानी महसूस हो सकती है, परंतु यह भी ध्यान अवश्य रखें कि मेहनत द्वारा ही भाग्य का निर्माण होगा। शेयर व सट्टा जैसे कार्यों में फायदा होगा, किसी भी प्रकार की बीमारी को अनदेखा ना करें। व्यक्तिगत बातें काम के बीच में ना आने दें, बात करने से भी बात सुलझ सकती है, लेकिन आज भावनात्मक बातों को छेड़ने का सही समय बिल्कुल भी नहीं है। जीवन साथी से अधिक उम्मीद रखना आपके संबंधों में दूरियां ला सकता है। विवाह योग्य युवाओं के लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा, ज्यादा मेहनत की वजह से पैरों में सूजन व दर्द जैसी समस्या रहेगी, समय समय पर आराम भी करते रहें। आज आपका भाग्य अंक 6 होगा, शुभ रंग आपका केसरिया होगा। आज आप गाय को चने की रोटी खिलाएं, लाभकारी होगा। मीन राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपका पूरी तरह से अपने कार्यों के प्रति समर्पित होना आपको नकारात्मक गतिविधियों से दूर रखेगा और आप अपने अंदर शुभ ऊर्जा महसूस करेंगे और मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में भी समय व्यतीत करने से तनाव से मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से हटकर मौज मस्ती में लगेगा। कभी कभी आपका क्रोधी व जिद्दी स्वभाव घर के लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बनेगा, परंतु अपनी समझदारी द्वारा परिस्थितियों को अनुकूल कर सकते हैं। कमीशन तथा बीमा संबंधी कार्य में सफलता मिलेगी। रुकी हुई कोई पेमेंट वगैरह प्राप्त करने के लिए समय उत्तम है। विदेश संबंधी व्यवसाय भी जल्दी ही गति पकड़ेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों का अपने ऑफिस में दबदबा बना रहेगा। फैशन से जुड़े व्यापार को नई दिशा मिलेगी। मिले हुए मौके का सही तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। महिला वर्ग के लिए आज का दिन विशेष रहेगा। संतान से सुख और समाधान प्राप्त होगा। चांदी की धातु का प्रयोग रुकावटें दूर करेगा। पति पत्नी के आपसी संबंध मधुर रहेंगे। पुराने मित्रों से मुलाकात और अधिक खुशी प्रदान करेगी। नींद न आने जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिसकी वजह से मानसिक थकान अधिक महसूस होगी। आज मीन राशि वालों का भाग्य अंक 5 होगा, शुभ रंग आपका हल्का लाल होगा। आज आप बंदरों को केला खिलाएं, लाभकारी होगा। तो मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।